आध्यात्मिक जीव की बुद्धि कहती है कि प्यारे उस भगवान का सामर्थ्य क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है, सृजन पालन व संहार तीनों उसकी गोद में पलते हैं, खेलते हैं प्यारे। हाँ, तीनों उसकी गोद में खेलते हैं। वो जन्म देना भी जानता है, वो पालना भी जानता है, और जब उसका मन भर जाए वो संहार करना भी जानता है। सुनार के पास सोने की ईंट है, तोड़ तोड़ के उसमें से कितने सारे गहने बना देता है, और जब मन भर जावे फिर उन गहनों को इकट्ठा करके ईंट बना देवे। परमात्मा के पास भी हमारे और आप जैसे न जाने कितने गहने तोड़ तोड़ के हमें बनाया, जब मन किया भर गया खेल के मन, तो फिर से इकट्ठा कर दिया, फिर से प्रलय कर दिया। यही मेरे परमात्मा का कार्य है, वो बनाते हैं, वो पालते हैं, वो बिगाड़ते भी हैं। जब दोष पैदा हो जाता है, भगवान कहते हैं कि प्यारे मेरी बनाई हुई वस्तु में अगर दोष पैदा हो गया तो फिर मैं ही उसको समाप्त कर देता हूं। छह ही तो स्थितियां हैं समानव देह की। संकल्प होता है माता पिता का, धारणा होती है, जन्म होता है, वर्धन होता है, बढ़ना होता है, अपक्षीयते फिर घटना होता है, अंततः विनश्यते, एक दिन इस देह की समाप्ति हो जाती है। एक दिन तो वो आता है प्यारे, संसार में जो रमण करता है उसके लिए दुनिया, वो दुनिया से रोता जाता है, और जो हरि नाम में रमण करता है वो दुनिया से हंसता जाता है। इसलिए कहा गया संसारी का मरना दुखदाई है, संत का जाना, कहा कि संत जाता हुआ भी सुख दे के जाता है, संसारी दुखों में रहता हुआ दुखों में ही जाता है प्यारे। इसलिए क्यों ना फिर इस मन को ही संत मन बना लिया जावे। इसलिए प्यारे कहा वो भगवान पैदा भी करते हैं, वो पालते भी हैं, और जब मन भर जाए तो वो संहार भी कर देते हैं। और कहा प्यारे सामर्थ्य इतना बड़ा है तो स्वभाव कैसा होगा। अब कन्या के लिए वर देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ज्यादा गुस्से वाला तो नहीं, बाद में तंग करेगा महाराजा, इसलिए ढूंढते हैं कि कोई अच्छे स्वभाव वाला मिल जावे। तो क्या होता है कि प्यारे यहां भी ढूंढने गए, वैसे एक सच्ची बात बताऊं आपको, दुनिया कह देती है कई बार कि महाराज ये बड़े गुस्से वाला है, बड़े गुस्से वाला है महाराज, बात बात पे गुस्सा आता है, ना जाने क्या उठा के मार दे, क्या भरोसा। परंतु किसी भी व्यक्ति का स्वभाव सदा गुस्से वाला नहीं हो सकता। जल को अग्नि के ऊपर रख दो, वो पक पक के गर्म हो जाता है, और जब अग्नि से उतार के नीचे रखो तो एक घंटे दो घंटे में जल फिर से शीतल हो जाता है। जल का स्वभाव शीत स्पर्शवान आप, जल का स्वभाव शीतलता ही है, मानव का स्वभाव भी शीतलता ही है, शीतलता ही मानव का स्वभाव है, और होना भी चाहिए प्यारे। इसलिए वर ढूंढा, भक्त ने अपने भगवान को वर माना, कहा स्वभाव कैसा है, कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।